है। पहले था कि प्रत्येक घर में गौ होती थी, गाय का शुद्ध दूध मिलता था। गाय जहां लघु शंका करती, गौमूत्र वो तीर्थ स्थान हो जाता है। गाय की बड़ी महिमा है, गाय के मूत्र में जो गंध निकलती है उसमें अस्वस्थता प्रदान करने वाले जो शरीर को अस्वस्थ करते हैं उनको नष्ट करने की सामर्थ्य होती गौ मूत्र में। जिसे गौशाला है ना, उससे जो वायु निकलती है वो बहुत से रोगों को नष्ट करने वाली होती है। आज हम ना तो गौ का आदर कर रहे हैं, ना गौ सेवा कर रहे हैं, ना गौ ग्रास निकाल रहे हैं, तो देखो परिणाम क्या होता चला जा रहा है। कोई आया था तो उन्होंने बताया कि 20 लीटर दूध में 60 लीटर दूध तैयार किया जाता है। हमें तो पता नहीं, उनका 20 लीटर दूध में 60 लीटर, तो उनका वो कैसे हो जाता है? तो उन्होंने बताया कि कई तरह के ऐसे केमिकल पदार्थ डालकर और बिल्कुल असली दूध जैसा। अब सोचो वो दूध वहां से बना और आपके बच्चों में जाएगा, आपके घर में जाएगा, आप पिएंगे, आपको क्या होगा? अगर आप एक गाय बांधे होते, गाय की सेवा होती